नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकार की। पिछली वीडियो में हमने जड़, तना, पत्ती के विषय में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पुष्प, पुष्पक्रम और एक फैमिली के विषय में। पुष्प, पुष्प में जैसे मैंने बताए थे, पुष्प में चार चक्र होते हैं, उमंग, जायांग, बाह्यदल और दलपुंज। ये चारों जिस पुष्प में होंगे उसको एक संपूर्ण पुष्प कहते हैं। लेकिन व्यास के आधार पर पुष्प दो प्रकार का होता है। एक तो होता है त्रिज्या सममित और एक होता है एक व्यास सममित। त्रिज्या सममित क्या है? मान लीजिए जैसे एक पुष्प है, ये एक पुष्प है, इसको हम कहीं से भी काट दें तो ये दो बराबर भागों में कट जाता है। तो ऐसा पुष्प जिसको हम त्रिज्या के कहीं से भी काटें तो दो बराबर भागों में कट जाता है, तो ये होता है त्रिज्या सममित पुष्प। जबकि एक व्यास सममित पुष्प में क्या है, मान लीजिए एक पुष्प है, ये इस टाइप का पुष्प मटर में होता है। अगर हम इसको यहाँ से काटें तभी बराबर भागों में कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे काटेंगे तब भी बराबर भागों में नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसके दो पंखुड़ी हैं। तो ऐसा पुष्प जो त्रिज्या में केवल एक जगह से ही बराबर भागों में कट सकता हो तो उसको क्या कहेंगे, एक व्यास सममित पुष्प। तो इस तरीके से दो प्रकार के पुष्प होंगे, एक त्रिज्या सममित और दूसरा एक व्यास सममित। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुष्पक्रम। पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है मुख्यतः, एक असीमाक्षी और दूसरा ससीमाक्षी। असीमाक्षी इंग्लिश में कहेंगे उसको रेसिमोस, अर्थात जैसे मान लीजिए एक प्लांट है कोई भी, सबसे ऊपर सबसे पहले यहाँ पर पत्तियाँ होती हैं, इन पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमें पुष्पक्रम पढ़ना है। तो इसका जो असीमाक्षी जो पुष्पक्रम होता है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो भाग है ये ऊपर पत्तियों के रूप में ही बढ़ता रहता है और पुष्प में समाप्त नहीं होता। बाकी फ्लावर जो होगा इसके चारों ओर, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, इसके चारों ओर जो होंगे पुष्प लगे होंगे, जबकि इसका जो मुख्य अक्ष होगा वो कभी भी पुष्प में समाप्त नहीं होगा। ये वाला जो इसका मुख्य अक्ष है ये कभी पुष्प में समाप्त नहीं होता। तो ऐसा पौधा जिसका मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त नहीं होता वो असीमाक्षी या रेसिमोस टाइप का पौधा होता है। ससीमाक्षी इसके विपरीत है, ठीक, इसका जो मुख्य अक्ष होगा वो पौधे में समाप्त हो जाता है, इसीलिए ये पौधे छोटे होते हैं। जो साइमोस टाइप के पौधे होंगे वो पौधे छोटे होंगे, और जबकि रेसिमोस टाइप के जो पौधे होंगे वो उनका आकार बड़ा होता है, क्योंकि उनका मुख्य अक्ष जो है वो फ्लावर में समाप्त नहीं होता। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे पुष्प के स्पष्ट लक्षण। पुष्प किस तरीके का है, उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जो पार्ट पाए जाते हैं उनके उनकी दशा क्या है, किस प्रकार वो उसमें संलग्न होते हैं। जैसे पहला लक्षण इसमें होता है सहपत्री, तो इनके कुछ संकेत होते हैं जो हम पढ़ेंगे, उसमें एक आएगा फ्लोरल डायग्राम या पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र, तो पुष्प सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके ये स्पष्ट लक्षण और प्रयुक्त होने वाले संकेतों को समझना होगा। जैसे सहपत्री पुष्प, तो जो भी पुष्प सहपत्री होगा उस पर आगे पुष्प सूत्र जो होगा उसमें ब्रैक्टिएट लिखा होगा, ठीक, ब्रैक्टिएट, इसको शॉर्ट में लिख देंगे ब्रैक्टिएट, BR। अब ब्रैक्टिएट क्या है, जिसमें ब्रैक्ट पाए जाएंगे या जिसमें सहपत्र पाए जाएंगे, जो पुष्प होता है उसके नीचे से हरी सी इस टाइप से मैंने पहले ही बताया था वो कलिकाएं निकली होती हैं, तो उनको क्या कहेंगे, सहपत्र या ब्रैक्टिएट कहेंगे। तो जिसमें ब्रैक्टिएट पाए जाएंगे उनको ब्रैक्टिएट कहेंगे और BR पुष्प सूत्र में लिख देंगे। इसके बाद आता है असहपत्री, जिसमें नहीं पाए जाएंगे उसमें EBR कर देंगे इसको, जिसमें ब्रैक्ट नहीं पाए जाएंगे उसको असहपत्री या EBRACTIATE कहेंगे। इसके बाद आता है त्रिज्या सममित, ये मैंने अभी बताया आपको कि पुष्प बराबर भागों में कट जाता है कितनी बार काटने पर, तो होगा त्रिज्या सममित या एक्टिनोमोर्फिक, इसको इस टाइप से साइन लगा देंगे, कहीं कहीं ये प्लस के साइन में भी ऐसा करके लगा होता है।
उसके बाद आया एक व्यास सममित, ये भी मैंने आपको अभी बताया कि यदि पुष्प दो बराबर भागों में केवल एक ही त्रिज्या से कटे, उसके अलावा वो दूसरे त्रिज्या से दो बराबर भागों में नहीं कटता, तो कैसा होगा? एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक। इसको इस टाइप से परसेंटेज के साइन से इसको दर्शाते हैं। इसके बाद आता है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प अर्थात एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हों, तो कैसा होगा? द्विलिंगी पुष्प होगा वो। तो इसको इस टाइप से ये जो साइन बनाया है इसको, क्योंकि ये वाला जो है ये मेल के लिए साइन है और ये वाला फीमेल के लिए साइन है, तो जब दोनों लग जाएंगे तो ये द्विलिंगी के लिए, द्विलिंगी पुष्प के लिए साइन हो जाता है। तो जहाँ द्विलिंगी पुष्प होगा वहाँ ये वाला फ्लोरल फॉर्मूला हमारे या पुष्प सूत्र में लिखा हुआ होगा। और पुंकेसरी एवं एकलिंगी, जैसा भी बताया कि ये वाला नर जननंग के लिए साइन है, इंडिकेट करता है, तो ये क्या होगा? ये इस टाइप से लगा हुआ उसमें होगा पुष्प सूत्र में। तो जहाँ पर भी पुंकेसरी या एकलिंगी पौधा होगा, पुंकेसरी जिसमें होंगे केवल पुंकेसर पाए जाएंगे, जायांग उसमें नहीं पाया जाएगा, तो ये कैसा होगा? इस टाइप का उसमें साइन लगा होगा। उसके बाद है स्त्री केसरी एवं एकलिंगी, जिसमें पुंकेसर नहीं पाए जाएंगे, केवल स्त्री केसर पाया जाएगा, तो उसमें ये प्लस का साइन इस टाइप से लगा हुआ होगा और इसको कहेंगे स्त्री केसरी एवं एकलिंगी पुष्प। उसके बाद है वाहेदल पुंज कैलेक्स। उसके बाद है कैलेक्स। कैलेक्स क्या हुआ? के से इसको इंडिकेट करेंगे, जबकि यहाँ पर इसको सी से लिखा हुआ है, तो सी से लिखा हुआ है लेकिन यहाँ किससे इंडिकेट करेंगे? के से इंडिकेट करेंगे। तो जितने भी कैलेक्स पाए जाएंगे एक फ्लावर में, उनकी संख्या वहाँ पर लिखी होगी पुष्प सूत्र में। मान लीजिए जैसे 5 यहाँ लिख दिया, तो कैलेक्स की संख्या हो गई वहाँ पर 5। और इसके साथ में ब्रैकेट लगा हुआ होता है, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो एक दूसरे से या उसके बराबर में जो अंग है उससे जुड़े हुए हैं, और इसको ब्रैकेट से इंडिकेट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? संयुक्त। इसके बाद बच्चों दलपुंज। दलपुंज अर्थात कोरोला। कोरोला कितने हैं उनकी संख्या लिखी होगी यहाँ पर, जैसे मान लो 5 हैं तो 5 हो जाएंगे, 6 हैं तो 6 हो जाएंगे, 10 है तो 10 हो जाएंगे। और ये जो है, जैसे मैंने बताया आगे इसके ब्रैकेट लगा हुआ है, ये होता है संयुक्त, अर्थात वो आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं है। जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट लगा हुआ होगा, और यदि जुड़े हुए नहीं है तो इस टाइप से बस केवल सी लिख रहा होगा। जायांग गायनेशियम। गायनेशियम के आगे कितने गायनेशियम के आगे जी लिखा होगा या इस जी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। गायनेशियम का संकेत क्या है? जी, और या फिर युक्त अंड भी अगर होगा तो उसमें ब्रैकेट लगा हुआ होगा। उसके बाद है अधोवर्ती अंडाशय। ओवरी कैसी है उसकी? अगर ओवरी ऊर्ध्ववर्ती है या सुपीरियर है तो उसके जी के नीचे लाइन खींच रही होगी छोटी सी, और अगर अधोवर्ती है तो जी के ऊपर लाइन खींच रही होगी। इनका मतलब क्या है? ऊर्ध्ववर्ती क्या है? जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, जो मैंने बताते हैं कि रफली डायग्राम समझ लीजिए, ये इसका अंडाशय है या ओवरी मान लीजिए, ओवरी है ये। तो अगर बाकी सारे अंग इसके नीचे से निकलेंगे यहाँ से, तो ये ओवरी जो होगी वो सुपीरियर ओवरी होगी, मतलब ऊपर होगी सुपीरियर ओवरी। इन अगर पार्ट्स के जो और जो पार्ट्स हैं इसके, कोरोला कैलेक्स वगैरह, इसके अगर ओवरी इनसे ऊपर होगी तो ये ओवरी सुपीरियर ओवरी होगी, और यदि ओवरी इनसे नीचे है, यदि वो ये अंग जो है यहाँ से निकल रहे हैं और ओवरी इनकी नीचे है, तो ये किस टाइप का होगा? ये इन्फीरियर ओवरी होगी। यदि बाकी सारे अंग पुष्प के बाकी सारे अंग जो हैं वो ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, तो ओवरी इन्फीरियर ओवरी होती है, अधोवर्ती ओवरी होती है, और यदि ये सारे पार्ट ओवरी के नीचे से निकलते हैं तो वो ओवरी जो होगी वो सुपीरियर ओवरी होगी। तो इस टाइप से ये कुछ संकेत होते हैं जिनको आपको याद करना है। इसके आगे हम बच्चों इसमें पढ़ेंगे सोलेनेसी कुल के लक्षण। तो सोलेनेसी कुल में है भौगोलिक वितरण में, भौगोलिक वितरण का अर्थात कहाँ पाए जाते हैं, कितनी वंश और कहाँ कितनी जातियाँ पाई जाती हैं। तो इसके 90 वंश तथा 2000 जातियाँ इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इस पृथ्वी पर सर्वत्र ये मौजूद होते हैं, और इस कुल को टमाटर कुल या आलू का कुल कहा जाता है। इसकी एक विशेषता है, इसकी जो ओवरी होती है वो तिरछी होती है। इस टाइप से इसकी ओवरी जो होगी वो तिरछी होगी, जो अभी आगे आपको बताएंगे। तो इसकी ये विशेषता है, इसलिए ये और फैमिली से या और जो परिवार हैं इसके उससे अलग है।
स्तंभ, स्तंभ कैसा होता है इसमें, सामान्यतः शाखित रोमिल बाइकोलेटरल संवहन पुल, मतलब शाखित होंगी, शाखाएं निकले होंगे, उन पर रोम होंगे, बाइकोलेटरल संवहन पुल यानी जो उसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं वो बाइकोलेटरल होगा, ठीक है। उसके बाद आप पत्ती, पत्ती कैसी होती है, एकांतर क्रम में लगी होंगी, पत्तियाँ जो इसकी होंगी वो एकांतर क्रम में लगी होंगी। जाली का वत् सिराविन्यास होगा, जाली का वत् सिराविन्यास, ये पिछली वीडियो में बताया था कि जो सिराविन्यास होगा पत्ती का, जैसा मान लीजिए एक पत्ती है और देख लीजिए इसको दोबारा से एक बार, ये एक पत्ती है तो ये जो इसका सिराविन्यास होगा ये जाल जैसा बना लेते हैं ये यहाँ पर, तो इस टाइप का जाली का वत् सिराविन्यास इनकी पत्तियों में पाया जाता है। आप देखना टमाटर की पत्ती या आलू की पत्ती जो होगी आप उसमें देखना, उसमें इस तरीके का सिराविन्यास होगा क्योंकि ये जाल जैसी स्ट्रक्चर हो रही है, इसलिए इसको जाली का वत् सिराविन्यास कहते हैं। उसके बाद आया पुष्पीय लक्षण, पुष्पक्रम किस टाइप का है इसमें, पुष्पक्रम सशिमाक्षी, अभी मैंने आपको बताया कि पुष्पक्रम सशिमाक्षी और ऐसिमाक्षी किस टाइप के होते हैं, तो इसमें पुष्पक्रम कैसा होगा, सशिमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाएगा। पुष्प कैसे होंगे इसमें, सहपत्री अथवा असहपत्री, या तो सहपत्र लगे होंगे या ऐसा भी हो सकता है कि सहपत्र ना लगे हों। त्रिज्या सममित होगा यानी उसको कहीं से भी काटेंगे बराबर भागों में वो कट जाएगा और चक्रीय होगा, इस टाइप का इसका पुष्प होगा। उसके बाद बाह्यदल पुंज, तो बाह्यदल पुंज कितने होते हैं, 5 बाह्यदल पाए जाते हैं जो कोर स्पर्शी होते हैं और संयुक्त बाह्यदली होते हैं, अर्थात आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त बाह्यदली होते हैं। दल पुंज यानी कोरोला, कोरोला कितने होते हैं, 5 दल पाए जाते हैं इसके, 5 दल होंगे, संयुक्त दल ही होंगे, जुड़े होंगे आपस में, चक्रकार होंगे और ये भी क्या होंगे, कोर स्पर्शी होंगे। पुमंग, पुमंग में 5 पुंकेसर होंगे, 5 पुंकेसर पृथक पुंकेसर ही होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, वो एक साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। पुतंतु लंबे, पुतंतु अर्थात फिलामेंट जो होगा उनका वो लंबा होगा। जायंग, जायंग कैसा होगा, 2 अंड भी होगा, युक्त अंड भी होगा और ऊर्ध्ववर्ती, और ऊर्ध्ववर्ती कैसा होगा, अंडाशय होगा, यानी ओवरी जो होगी वो ऊर्ध्ववर्ती होगी, जितने भी पार्ट होंगे फ्लावर के वो सब अंडाशय के नीचे से निकले हुए होंगे, इसलिए इसको कहेंगे हम ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। इसके बाद इसमें आता फल, फल होते हैं सरल और शुष्क संपुट यानी कैप्सूल टाइप के जो होते हैं वो फल पाए जाते हैं। बीज, बीज भ्रूणपोषी होता है, एंडोस्पर्म होता है जैसे टमाटर। उसके बाद आता पुष्प सूत्र, पुष्प सूत्र ये इसमें धतूरा का दिया हुआ है, ब्रैक्टिएट होते हैं यानी ब्रैक्टिएट पाए जाते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक जैसे मैंने बताया था त्रिज्या समेत बीच में आया था, और ये द्विलिंगी पुष्प नर और मादा दोनों पाए जाते हैं इसमें। कैलेक्स 5 होते हैं, 5 कैलेक्स पाए जाते हैं, कोरोला भी 5 होते हैं और एंड्रोसियम भी 5 होते हैं। गाइनीशियम 2 एंड भी होगी और कैसी होगी, सुपीरियर होगी, सुपीरियर ओवरी होगी इसकी, जो अंडाशय होगा वो सुपीरियर ओवरी होगी। इसका आर्थिक महत्व, सजावटी पौधे हैं जैसे पिटूनिया, बायोलेसिया, रात की रानी, ये सभी जो हैं सजावटी पौधे हैं, पुष्प इन पर आते हैं, खुशबू आती है, इसलिए इनको सजावट के तौर पे लगाया जाता है। इसके बाद उद्योग में, उद्योग में तंबाकू, तंबाकू खाया भी जाता है और तंबाकू की पत्तियाँ भी यूज होती हैं और उनसे बीड़ी सिगरेट आदि बनाया जाता है। खाने में, खाने में जैसे हो गया टमाटर, आलू, मिर्च आदि, टमाटर, आलू, मिर्च, बैंगन, ये सभी किस्में हैं, ये सोलेनेसी फैमिली में ही आते हैं। इसके बाद औषधीय पौधे, औषधीय पौधों में एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपीन प्राप्त होती है, एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपीन प्राप्त होती है और तंबाकू यानी निकोटियाना टैबेकम से निकोटीन प्राप्त होती है, इस टाइप से इसका ये आर्थिक महत्व है। और ये जो फैमिली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है, ये इसका बच्चों फ्लोरल डायग्राम है, ये धतूरा का है, धतूरा यानी पुष्प सूत्र, किस टाइप से इसके पुष्प सूत्र होते हैं, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये कैसे हैं, ये बाह्य दलपुंज हैं इसके और ये दलपुंज हैं कोरोला, 1, 2, 3, 4, 5 ये दलपुंज हैं और ये इसके एंड्रोसियम इसमें लगे हुए हैं, बाकी ये ओवरी है, अंडाशय है और इसके अंदर ये बीज संलग्न है। ओवरी मैंने बताया था कि इस फैमिली की विशेषता है कि ओवरी कैसी होती है, इसकी तिरछी होती है, बाकी सारी फैमिली में जैसे ये टेढ़ी ओवरी है इसकी, बाकी सारी फैमिली में इसकी ओवरी इस टाइप से होगी।
बाकी सारी फैमिली में ओवरी जो होगी वो इस टाइप से होगी। लेकिन इसमें ओवरी क्या है, ओवरी तिरछी है, ये इस फैमिली की विशेषता है। और इस फैमिली को जैसे शुरू में बता दिया था, टमाटर कुल या आलू कुल के नाम से इसको जानते हैं। सोलेनेसी फैमिली है। इसके अलावा आपकी किताब में लिलिएसी और फेवेसी ये फैमिली और दे रखी हैं, तो आप इनको इसी प्रकार जैसे मैंने इस प्रकार समझाया है और इसका डायग्राम बना है, ये आपको गृह कार्य में कर लेनी है दोनों फैमिली। और तीन फैमिली आपको तैयार करनी है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, सोलेनेसी, लिलिएसी और फेवेसी। तो दो एक फैमिली मैंने करा दी और दो फैमिली आपको घर से खुद तैयार करनी है। ये जो वर्क है ये पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।